आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा से रिलीज़ करी गई है। लास्ट ईयर रहेगी अप्लाई करने के लिए 30 अप्रैल। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे ज़्यादा डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा परमानेंट पोस्ट है तो पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है। बाकी की डिटेल मैंने वीडियो में कवर कर दी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप के सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर टाइप की पोस्ट सर्च कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई आपकी CBLU से, दैट इज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि भिवानी में लोकेटेड है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो स्टार्ट तो हो चुकी है 10 अप्रैल से, एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 अप्रैल। एंड हार्ड कॉपी सबमिट करानी है, उसकी लास्ट डेट रहेगी 8 मई। तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सेम रहता है UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स मास्टर्स के साथ साथ बिसाइड एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लियरेंस की नीड होगी आपको, लाइक नेट स्लेट या सेट, उनके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। PhD मैंडेट हुई नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है, रिलैक्सेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी प्रोवाइड करी जा रही है आपको, ठीक है। 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आपको, इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST। एंड एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे चार्ज करी गई है, तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हो तो आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, फीमेल हो, तो 500 रुपीज़ रहेंगी। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो एंड कैटेगरी है आपकी लाइक SC BC EWS, तो आप मेल हो अगर तो 250 रुपीज़, फीमेल हो तो 125 रुपीज़। अगर आउटसाइड हरियाणा हो, वेदर यू आर मेल और फीमेल, तो आपके 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करी जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी चांस पे नहीं करेगी यूनिवर्सिटी फॉर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यूज़। उसके अलावा कुछ आपको नॉर्मल डिटेल्स मेंशन कर रखी है, आप रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। CGPA में कैसे कन्वर्ट करना है अपने परसेंटेज को, वो देख लीजिएगा। API स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। वीडियो का नाम है हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका लिंक आपको मेरी हर डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन की हर वीडियो में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो वो सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 वैकेंसी रिलीज करेगी अनडिजर्व के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन करके 3 इन डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट है आपका हिंदी, 2 वैकेंसी अनडिजर्व के अंदर। जहाँ पे अनडिजर्व देखने को मिले वहाँ पे कोई और कैटेगरी भी अप्लाई कर सकती है, उसका एक ही लॉस होता है, उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते, दैट्स इट। नेक्स्ट आती है आपकी ICT डिपार्टमेंट से, यहाँ पे आपकी 4 वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। मैनेजमेंट में 2 है, मैथमेटिक्स में 2 है, एंड CS में आपकी 2 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, फार्मेसी में आपकी 6 वैकेंसी है, फिजिकल एडुकेशन में भी आपकी 4 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, फिजिक्स में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, एंड सोशल वर्क में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं पता कि लाइक EWS कैसे स्टैंड करता है, ESM क्या स्टैंड कर रहा है, तो आप यहाँ से अपनी एब्रीवेशंस को रीड कर सकते हो, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसका ऑनलाइन लिंक है, यहाँ पे आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहीं पे आपको अपनी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।